वेलकम बैक, वेलकम टू पाइथन सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन एंड फंक्शन कॉल्स के बारे में। हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, कैसे उसे कॉल करना है, पाइथन में फंक्शंस को कॉल करने के लिए कौन सा सिंटैक्स होता है। देखिए, यहाँ पे हम फंक्शन को क्रिएट कैसे किया जाता है इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि फंक्शन होता क्या है एंड उसे कैसे कॉल किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको कुछ प्रिंट करना है पेपर्स पे, तो उसके लिए आप यूज करेंगे प्रिंटर का। प्रिंटर को आप कुछ इनपुट दोगे, इनपुट का मतलब है टेक्स्ट और इमेजेस। आप टेक्स्ट और इमेजेस दोगे इस प्रिंटर को, प्रिंटर क्या करेगा, उस टेक्स्ट एंड इमेजेस को प्रोसेस करेगा और उसे प्रिंट करेगा पेपर्स पे, और आपको एज अ आउटपुट रिटर्न कर दिया जाएगा प्रिंटेड पेपर्स। इसी तरह पाइथन का फंक्शन काम करता है। पाइथन का फंक्शन एक बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर होती है कुछ मशीनरीज, और वो मशीनरीज आपसे कुछ इनपुट्स लेती है। इनपुट्स का मतलब है पैरामीटर्स। तो इस बॉक्स के अंदर एक फंक्शन होगा। फंक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे पाइथन के स्टेटमेंट्स का एक सेट होगा। वो क्या करेगा, इन इनपुट्स को लेगा एज अ आर्गुमेंट्स एंड हमें कुछ आउटपुट रिटर्न करेगा उस पर कंप्यूटेशन करके। तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन इनपुट्स को लेंगे और उस पर प्रोसेस करेंगे, उस पर कंप्यूटेशन करेंगे और आपको कुछ रिटर्न कर दिया जाएगा। उसे हम बोलेंगे आउटपुट और उसे हम रिटर्न वैल्यू भी बोल सकते हैं। चलिए अब थियोरेटिकली बात करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन एक कलेक्शन होता है पाइथन स्टेटमेंट्स का जिसे यूज किया जाता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ये सिंटैक्स यूज करना पड़ता है। जब भी हमें किसी पाइथन फंक्शन की आवश्यकता होती है तो हमें उसे कॉल करना पड़ता है, हमें उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये टास्क हमें करके दो। तो उसके लिए हम ये सिंटैक्स का यूज करेंगे। हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, जो फंक्शन हमें कॉल करना है, जो फंक्शन हमें चाहिए, और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे पैरामीटर्स। इन्हें हम इनपुट्स भी बोल सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे टू और मोर इनपुट्स दे सकते हैं, सिर्फ आपको उन्हें सेपरेट करना है विद कॉमा साइन। चलिए मैं आपको पाइथन फंक्शन का एग्जाम्पल देता हूँ। एक बॉक्स है एंड इस बॉक्स के अंदर मैंने पाइथन का फंक्शन लिखा है। पाइथन का फंक्शन लिखने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। इसे कैसे बनाना है इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में जानेंगे। एक फंक्शन है एंड इसे बनाया गया है फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वायर। इसे कॉल करने के लिए मैं प्रोग्राम में कुछ इस तरह से लिखूंगा, स्क्वायर जो फंक्शन का नाम है, और पैरेंथेसिस के अंदर दूंगा जो मुझे जिसका स्क्वायर चाहिए, जिस वैल्यू का स्क्वायर चाहिए वो वैल्यू। यहाँ पे मैंने 4 एज अ पैरामीटर दिया है। ये है इनपुट, इनपुट दिया जाएगा 4 इस फंक्शन को, और ये स्क्वायर कैलकुलेट करेगा नम इंटू नम, और मुझे आउटपुट देगा 16। गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियोस। पाइथन में फंक्शंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इनबिल्ट फंक्शंस एंड दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए फंक्शन को प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनबिल्ट फंक्शन के बारे में। इनबिल्ट फंक्शन एक प्रकार का फंक्शन होता है जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। इसका सोर्स कोड हमें लिखना नहीं पड़ता है, इसका सोर्स कोड पाइथन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो इसका सोर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है हमारे सिस्टम में। यहाँ पे मैंने पाइथन का एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है। इस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप मुझे चेक करना है। इसके लिए पाइथन हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन को मुझे अब यूज करना है और उसके लिए मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप, और कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको देना है कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ पैरामीटर्स, कुछ इनपुट्स। तो मैं इनपुट यहाँ पे दूंगा ये नंबर, क्योंकि मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है, और ये एज अ पैरामीटर लेता है जिसका आपको डेटा टाइप चेक करना है उस वैल्यू को। तो यहाँ पे मैंने टाइप और पैरेंथेसिस के अंदर नम दिया, इसे प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट, और ये मैं प्रिंट करता हूं इसे, सेव एंड रन, आपको आउटपुट दिया जाएगा क्लास इंट। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। तो ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो मैंने मेरे प्रोग्राम में लिखा है। अब मैं इसे कॉल करना चाहता हूं। इसे कॉल करने के लिए मुझे फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा जो है स्क्वायर।
अब मुझे पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट देना पड़ेगा जो है नम, कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी जिसका मुझे स्क्वायर काउंट करना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 3। जब मैं उसे 3 दूंगा एज ए इनपुट तो ये मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करके देगा जो है 9। अब इसे मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ और उसके अंदर देता हूँ स्क्वायर ऑफ 3, सेव एंड रन। देखिए आपको आउटपुट 9 दिखाई दे रहा है जो 3 का स्क्वायर है। देखिए पाइथन में एवरीथिंग इज कंसिडर एज एन ऑब्जेक्ट, तो पाइथन का फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखता हूँ सिर्फ उसका नाम, कोई आर्गुमेंट कोई पैरामीटर नहीं देता हूँ और इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद ये देखिए आपको कुछ इस तरह से प्रिंट करके मिलेगा, फंक्शन स्क्वायर एट दिस एड्रेस। तो एक पाइथन का ऑब्जेक्ट है एंड इसे स्टोर किया गया है इस मेमोरी एड्रेस पे। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।